यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आई नो 4-5 दिनों से चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। इसका कारण ये है कि एडिटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। एडिटिंग वाली जो ऐप है उसमें बहुत ज़्यादा ग्लिच हो रहा था, जिस वजह से मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। खैर, तो हम आज की लेस्बियन स्टोरी की बात कर लेते हैं। तो आज की लेस्बियन स्टोरी का पार्ट वन मैंने बहुत पहले एक्सप्लेन कर दिया था, बट वो वीडियो ड्यू टू सम रीज़न डिलीट हो गई। तो आज मैं वही स्टोरी दोबारा एक्सप्लेन करने वाली हूँ, लेकिन पार्ट वन और पार्ट टू दोनों को इसी वीडियो में मैं आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि जिन लोगों ने पार्ट वन वीडियो देख ली वो ये ना बोले कि क्या यार ये तो दोबारा वही वीडियो अपलोड कर रही है, तो मैंने इसलिए आपको बता दिया। खैर, ये स्टोरी जो है ये बहुत ही अलग, बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है, स्टोरी बहुत अमेजिंग होगी। तो यह वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, और स्टोरी शुरू करने से पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर देना ताकि मैं जैसे ही अपलोड करूँ वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख लो। तो स्टोरी शुरू करते हैं एक लड़की से जिसका नाम है चित्रा, और चित्रा एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। चित्रा के परिवार में इसकी मम्मी और इसकी एक छोटी बहन है। इसके पापा नहीं है, वो कुछ समय पहले ही गुजर गए। चित्रा ने 10वीं क्लास तक पढ़ाई की होती है और ये सोचती है कि शायद मुझे कोई एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, क्योंकि इनके घर में कमाने वाला कोई भी नहीं था। इसकी मम्मी दूसरों के घर में काम करती थी, लेकिन उससे जो पैसे आते थे उससे अच्छे से घर नहीं चल पा रहा था। तो चित्रा बहुत सारे ऑफिस में जाती है इंटरव्यू देने, लेकिन वो जहाँ भी जाती है सब उसे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहते हैं, अपने साथ सोने के लिए कहते हैं। वो सब कहते थे कि तुम हमारे साथ एक रात सो जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी बदल देंगे, लेकिन चित्रा कोई कैरेक्टर लेस नहीं थी और वो उन सबको मना कर देती थी, क्योंकि चित्रा को एक इज्जत भरी लाइफ जीनी थी। ये सब करके उसे पैसे नहीं कमाने थे, अगर उसे गलत तरीके से पैसे कमाने होते तो वो कब का कमा ली थी। चित्रा बहुत परेशान हो रही होती है, तो इसकी मम्मी कहती है बेटा तू परेशान मत हो, तू ना शादी कर ले, शादी के बाद तेरी ज़िंदगी थोड़ी तो अच्छी होगी, और वही बात रही मेरी और तेरी छोटी बहन की, तो उसको उसका पेट मैं पाल लूँगी, तू हमारी फिक्र मत कर, तू शादी कर ले। तो चित्रा अपनी मम्मी को कहती है नहीं माँ, मुझे शादी नहीं करना, मुझे अपनी छोटी बहन को एक अच्छी सी लाइफ देनी है, और आप फिक्र मत करो, मुझे आज नहीं तो कल कोई ना कोई नौकरी मिल ही जाएगी। चित्रा एक दिन फिर से एक कंपनी में जाती है, वहाँ पे वो इंटरव्यू देती है, तो सेम वो ऑफिस का जो बॉस होता है चित्रा से वही कहता है जो चित्रा इतने दिनों से सुनती आ रही है। चित्रा फिर उदास होकर उस कंपनी से निकल जाती है, और जब वो आ रही होती है तो रास्ते में उसे एक आंटी देखती है। वो उसके पास जाती है और कहती है कि बेटा इतनी दुखी क्यों हो। तो चित्रा कहती है माँ जी मुझे एक जॉब चाहिए थी, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन मैं जिस भी कंपनी में जाती हूँ वो सब मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहते हैं और ये सब मेरे से नहीं हो पाएगा। तो आंटी कहती है कि इधर आ, तू मेरे पास में बैठ, और चित्रा उस आंटी के पास में बैठ जाती है। फिर वो आंटी कहती है कि मैं ना ऊबर चलाती हूँ, ऊबर चला के मैं अच्छे खासे पैसे कमा लेती हूँ, और मुझे तो कुछ दिनों के लिए अपने गाँव जाना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी ऊबर कैसे दूँ चलाने के लिए। एक काम कर, तुझे पैसों की ज़रूरत है ना, कुछ दिनों के लिए जब तक मैं गाँव से नहीं आ जाती ये ऊबर तू चला ले, और जब मैं गाँव से आ जाऊँगी तो तुझे अपने साथ काम पे लगा दूंगी। तो आंटी चित्रा से कहती है कि बेटा तुझे ड्राइविंग तो आती है ना। तो चित्रा कहती है ड्राइविंग आती है लेकिन अच्छे से नहीं आती। तो वो आंटी कहती है मैं परसों जा रही हूँ गांव, लेकिन तू फिक्र मत कर, दो दिन में मैं तुझे अच्छे से ड्राइविंग सिखा दूंगी। चित्रा उस आंटी की बात सुन के बहुत खुश होती है, और अब उसको एक जीने की कुछ होप दिखाई दे रही थी। फिर वो अपने घर जाती है, अपने मम्मी को बताती है, तो उसकी मम्मी कहती है बेटा गाड़ी वाड़ी चलाना तो मर्दों का काम होता है, तू ये सब रहन दे। तो चित्रा कहती है अरे माँ प्लीज़ ना, इतनी मुश्किल से तो नौकरी मिली और आप होगी। फिर चित्रा उस आंटी के पास जाती है, और दो दिन तक वो आंटी चित्रा को अच्छे से ड्राइविंग सिखाती है। फिर वो आंटी जी तो गाँव चली जाती है, और चित्रा उसकी कमान अपने हाथ में ले लेती है, मतलब कि उसकी जो ऊबर थी अब वो चित्रा चलाती है। चित्रा इस नौकरी को पाके बहुत खुश होती है, क्योंकि एक तो उसे हर जगह घूमने फिरने को मिलता था, ऊपर से उसे अच्छी खासी पैसे भी मिल रहे थे। 2-4 दिनों तक तो चित्रा सिर्फ अपने शहर के रास्ते को जानती है, ताकि वो किसी भी अपने कस्टमर को इजीली ढूंढ सके और उसे पिक कर सके। एक दिन की बात है, रात का समय था और बारिश भी हो रही थी। चित्रा अपने घर को जा रही थी और वो ऊबर में बिल्कुल अकेली थी, और वो देखती है कि रास्ते पे कोई लड़की है जो कि आने वाली हर गाड़ी से लिफ्ट मांग रही है। वो लड़की जो लिफ्ट मांग रही होती है उसकी उम्र चित्रा के उम्र के ही बराबर, मतलब कि लगभग वो 22 या 23 साल की तो होगी ही।
वो लड़की चित्रा से भी लिफ्ट मांगती है और चित्रा ठीक उसके सामने अपनी टैक्सी रोक देती है। फिर चित्रा कहती है क्या हुआ इतनी रात को यहाँ, तो वो कहती है एक्चुअली मेरा बैग चोरी हो गया, उसमें कुछ पैसे भी नहीं, मतलब मेरे पास अभी कुछ पैसे नहीं है जिस वजह से मैं किसी टैक्सी या किसी ओला को बुक कर सकूँ, तो क्या आप मुझे फ्री में आगे शहर तक छोड़ दोगे। चित्रा बेझिझक होकर उस लड़की को अपनी टैक्सी में बिठा लेती है। फिर चित्रा उस लड़की से उसका नाम पूछती है, वो कहती है कि शहर में कहाँ जाना है आपको और नाम क्या है आपका, तो वो लड़की कहती है मेरा नाम नीति है और मैं तो कब का अपना घर पहुँच जाती, लेकिन रास्ते में किसी ने मेरा बैग चुरा लिया और मेरे पास पैसे भी नहीं थे। नीति कहती है आप मेरे से पैसे तो नहीं लोगे ना, तो चित्रा कहती है आप घबराइए नहीं, मैं आपको घर छोड़ दूँगी और नहीं लूँगी पैसे। नीति खुश हो जाती है और खुशी से कहती है ओ थैंक यू सो मच यार, आप कितनी अच्छी हो, आपको पता है मैं आधे घंटे से यहाँ पे हूँ और किसी ने मुझे अब तक लिफ्ट नहीं दी, लेकिन आपने दे दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर चित्रा कहती है अच्छा आप करते क्या हो, देख के लगता है कि आप अभी ऑफिस से या बैंक से आई हो, तो वो कहती है कि मैं मार्केटिंग का जॉब करती हूँ और इसीलिए मुझे शहर और गाँव जाना पड़ता है। फिर चित्रा कहती है कि अच्छा नीति तुम जो जॉब करती हो उसमें तो अच्छी खासी सैलरी मिलती होगी, तो नीति हंसते हुए कहती है अरे कहाँ सैलरी मिलती है यार, काम इतना ज़्यादा होता है खाना खाने का टाइम भी नहीं मिलता, लेकिन सैलरी सैलरी तो हमारा बॉस बढ़ाता ही नहीं बिल्कुल भी। नीति कहती है कि कभी कभी तो मेरा भी मन करता है कि मैं भी एक ऊबर ड्राइवर बन जाऊँ, कम से कम मेरे पर कोई हुक्म तो नहीं चलाएगा ना, जो मैं चाहूँगी वही होगा। मैं आपको बता दूं कि नीति एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती है और नीति बचपन से ही अलग है बाकी सबसे, इसे लड़कियां अच्छी लगती है, लड़कियों में बहुत इंटरेस्ट है और अब इसे ये भी पता चल चुका है कि ये एक लेस्बियन है, लेकिन नीति ने अपने सेक्सुअलिटी के बारे में अभी तक किसी को भी नहीं बताया। नीति जब भी किसी लड़की को देखती थी तो उसके प्रति लगाव महसूस करती थी और मन करता था कि उसको जाके किसी कर दे, लेकिन नीति खुद को कंट्रोल में लाती थी और सोचती थी कि क्या पता वो मेरे जैसी ना हो। नीति ने अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में ऑफिस में किसी को नहीं बताया, लेकिन इसने अपने घर में सबको बता दिया था। बात यूँ है कि जब नीति अपने टीनेज की एज में थी तो उसे एक लड़की से प्यार हो गया था और नीति उस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी, उसे उस लड़की पे बहुत भरोसा भी हो चुका था और नीति को ऐसा लगता था कि वो लड़की उसे कभी धोखा नहीं देगी। फिर एक बार जब नीति उस लड़की को अपने घर में लाती है तो उसे किस करता देख उसकी मम्मी देख लेती है, फिर नीति अपनी मम्मी को बता देती है कि वो क्या है, तो उसकी मम्मी अब उसकी माँ से दुश्मन बन जाती है, फिर उसकी मम्मी अपने पति को भी बताती है तो नीति के पापा भी नीति के दुश्मन बन जाते हैं और उसके मम्मी पापा छोटी सी उम्र में उसकी शादी एक लड़के से करने की सोचने लगते हैं और उसे बहुत ही प्रेशर देते हैं कि तू किसी लड़के से शादी कर ले, लेकिन नीति उनकी एक नहीं मानती। फिर नीति के मम्मी पापा सोचते हैं कि अगर ये लड़की हमारे साथ रहेगी तो सोसाइटी में हमारा नाम खराब हो जाएगा, फिर रात को ही उसकी फैमिली उसे घर से निकाल देती है और कुछ दिनों तक तो नीति अपने दोस्तों के साथ रहती है, अपनी गर्लफ्रेंड के घर में रहती है। फिर नीति अपनी छोटी सी उम्र में नौकरी ढूंढने लगती है और नीति की जॉब लग भी जाती है और वो अपने पैसे से एक फ्लैट खरीदती है और उस फ्लैट में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहती है। नीति की जो गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था नरगिस, वो एक मुस्लिम फैमिली थी, तो जब ये दोनों साथ में लिविंग में रह रहे थे तो इन दोनों के बीच में बहुत ट्रस्ट इशू होने लगता है और उसकी गर्लफ्रेंड इसके साथ ब्रेकअप करने के बहाने ढूंढने लगती है। वो कहती है कि देखो मेरी फैमिली ना ये सब कभी नहीं मानेगी और हमारे फैमिली रिश्तेदार ये सब तो कभी मान भी नहीं सकते, तो जितनी जल्दी हो सके हम अलग हो जाते हैं। और ऐसे ही वो बहुत सारे बहाने बना के आखिरकार वो नीति से ब्रेकअप कर ही लेती है। उसके जाने के बाद तो नीति बिल्कुल ही टूट जाती है क्योंकि वो सोचती है कि जिसके लिए मैंने अपने परिवार से लड़ाई की, मैंने अपना सब कुछ खो दिया, एजुकेशन फैमिली फ्रेंड्स सबको, उसने आखिरकार मुझे ही छोड़ दिया, और वो बिल्कुल टूट जाती है। फिर वो ऑनलाइन ऐप्स डेटिंग ऐप्स के सहारे लेती है और उसके थ्रू वो बहुत सारी लड़कियों से मिलती है, ऑनलाइन ही मिलती है और वीडियो कॉल पर वो सब कुछ करती है। और अब नीति का तो प्यार से बिल्कुल भरोसा उठ चुका था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि अब उसके साथ जो भी रिलेशन में आएगी वो 2-3 महीने तो अच्छे से रहेगी लेकिन बाद में बहाने बना के उसे छोड़ देगी, तो वो सोचती है कि प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं रखा, जो भी रखा है वो तो हुकअप्स में रखा है। नीति ने बहुत सारी कैटेगरी बना रखी थी और उस कैटेगरी में उसे हेल्दी लड़कियाँ बहुत पसंद थी, मतलब कि जिस लड़की के बड़े बड़े और उभरे हुए दिखते हैं उस लड़की पर नीति का दिल बहुत पहले आ जाता और नीति उसके साथ सब कुछ के सपने देखती है और वो सोचती है कि काश एक बार ये मेरे बेड पे आ जाए तो मैं तो इसको फुल मज़े दूँ। और ये भी
नीति खुद भी दिखने में बहुत खूबसूरत थी। इसकी नीली आंखें और भूरे भूरे बाल, गुलाबी होंठ, चरहरा बदन, जिसे देख के कोई भी पागल हो जाए, और ये अपनी खूबसूरती का बहुत ही सदुपयोग करती है। और जब नीति ने चित्रा को देखा तो उसका उभरा हुआ बदन देख के तो नीति को कुछ कुछ होने लगता है, और वो सोचती है कि वाह यार क्या लड़की है, ये टैक्सी ड्राइवर क्यों है, इसे तो मेरे घर पे होना चाहिए था। चित्रा पूरा ड्राइविंग पे फोकस कर रही थी क्योंकि एक तो पूरा अंधेरा रोड, ऊपर से बारिश भी हो रही थी, तो उसको पूरा फोकस रोड पे ही करना चाहिए, और वो कर रही थी। और इधर नीति लगातार चित्रा को ताड़े जा रही थी, और अब तो नीति के मुंह में पानी आने लगता है। वो सोचती है कि काश इसके होंठ मेरे होठों से सट जाए। और नीति अब चित्रा को छूने के बहाने ढूंढने लगती है। वो बातों बातों में अपने हाथ को इधर उधर फेरती, और फेरते फेरते वो चित्रा की बॉडी को भी छू लेती थी। फिर तभी अचानक टैक्सी बंद हो जाती है। फिर जब चित्रा बाहर निकल के देखती है तो वो देखती है कि एक तो इसका पेट्रोल कम है, ऊपर से टायर भी पंचर हो गया। और अब चित्रा को टेंशन होने लगती है कि इतनी रात को, अंधेरी रात, ऊपर से खाली रोड, ऊपर से बरसात, और अब चित्रा को थोड़ी थोड़ी घबराहट होने लगती है, लेकिन वो खुद को काम डाउन करती है। रात बहुत ज़्यादा थी और चित्रा को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब किससे हेल्प मांगे। फिर चित्रा ऊबर के अंदर बैठती है और वो कहती है कि नीति शायद एक तो पेट्रोल ख़त्म हो गया, ऊपर से टायर पंचर, और शायद और भी कुछ ख़राबी हो गई है, और ऐसा लगता है कि हमें रात भर यहीं रुकना पड़ेगा। ये सुन के नीति घबराने की जगह बहुत खुश होती है। वो कहती है कि वाह आज तो भगवान मेरे साथ है। नीति तो चाह ही रही थी कि उसे कब चित्रा से बात करने का मौका मिला, और फाइनली उसकी मुराद पूरी हो गई। उसे बात करने का क्या, उसके साथ सोने का, मतलब उसके साथ बैठ के बात करने का भी वक्त मिल गया। चित्रा नीति से कहती है कि देखो हमें नहीं पता कि रात भर कितनी देर तक यहाँ पे रुकेंगे, एक काम करो तुम ना बाहर किसी से लिफ्ट लेके चली जाओ अपने शहर, क्योंकि रात को यहाँ रुकना सही नहीं है। तो नीति चित्रा को कहती है तुम पागल वागल हो क्या यार, इतनी अंधेरी रात, ऊपर से बरसात, तुम्हें अकेले छोड़ के मैं चली जाऊँ, और क्या पता मैं जिसके साथ जाऊँ उसकी नीयत ख़राब हो और मेरे साथ कुछ कर दे, तो मैं तो नहीं जा रही, जब तक तुम नहीं जाओगी मैं तुम्हारे साथ अपने शहर जाऊँगी चाहे मुझे कितना भी वक्त लग जाए। नीति कहती है कि आपने मेरी हेल्प की है और मैं तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती, तो प्लीज़ मुझे जाने को मत बोलो। फिर चित्रा कहती अच्छा ठीक है नीति, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, और हमें आज रात कार में ही सोना पड़ेगा। फिर वो दोनों सीट को नीचे कर देते और जितने भी खिड़की है, चार तो खिड़कियाँ होती है, खिड़की के साथ साथ वो आगे वाले शीशे पे भी ब्लैक कलर का कर्टन लगा देते हैं। चित्रा कहती है कि रात ज़्यादा हो गई, ऊपर से नींद भी आ रही है, तो टाइम पास करने का कोई फ़ायदा नहीं है, एक काम करते हैं हम सो जाते हैं, मेरे पास एक छोटा सा ब्लैंकेट भी है, अगर तुम्हें ठंड लगे तो तुम ले लेना। और इतना बोलने के बाद चित्रा सो जाती है, और धीरे धीरे उसे नींद भी आ जाती है, और वो गहरी नींद में सो जाती है। लेकिन नीति बिल्कुल भी नहीं सोती, और मानो नीति की तो नींद गायब हो चुकी हो। अब धीरे धीरे नीति चित्रा के जिस्म को छूने लगती है। नीति को लगता है कि शायद चित्रा गहरी नींद में सो गई है, तो वो नीति एक हरकत करती है, वो उसके उभरे बदन को छू लेती है, और वहाँ पे वो बहुत देर तक हाथ रखती है, और हाथ रखते रखते वो वहाँ पे हाथ फेरने भी लगती है। और नीति एक बात नोटिस करती है कि जहाँ पे उसने हाथ रखा है वहाँ पे पहले कुछ भी हलचल नहीं हो रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ पे कुछ गर्माहट सा नीति को महसूस होता है। नीति को लगता है कि शायद चित्रा जग गई, लेकिन जब वो चित्रा को देखती है तो वो देखती है कि इतना कुछ होने के बाद भी चित्रा गहरी नींद में सो रही है, और अब उसकी हिम्मत और बढ़ जाती है, वो अब चित्रा के साथ और कुछ करने का सोचने लगती है। और अब नीति हिम्मत दिखा के वो चित्रा के होठों को चूम लेती है, और वो दंग रह जाती है कि किस करने के बाद भी चित्रा नहीं उठ रही। नीति थोड़ा सा और हिम्मत दिखाते हुए दबाने लगती है, और अब चित्रा जग चुकी थी, वो नीति के बालों पे हाथ फेरती है। नीति थोड़ा सा घबरा जाती है, लेकिन वो देखती है कि चित्रा तो खुश हो रही है, और वो भी इन सब चीज़ों को इंजॉय कर रही है, वो भी मज़े ले रही है। तो चित्रा बिना डरे अब वो चित्रा को किस करने लगती है, और अब चित्रा कुछ ज़्यादा ही गर्म हो जाती है। नीति तो पहले से ही गर्म थी, लेकिन चित्रा का हाल अब बुरा होने लगता है। उसने जो इतने सालों से अपनी गर्माहट को दबा के रखा था वो तूफान होने लगता है, वो बिल्कुल ही बाहर आने लगता है, और अब चित्रा से रहा नहीं जाता। वो नीति को कहती है कि बस अब जो भी करना है जल्दी से कर लो, और अब चित्रा नीति को एकदम कस के गले लगा लेती है, या यूँ कह लो उसे बिल्कुल ही जकड़ लेती है, और ऐसा लग रहा था कि अब नीति बिल्कुल भी सांस नहीं ले पाएगी। और अब उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा नहीं बचा था कि जो उन दोनों को ढक सके, दोनों बिल्कुल ही निवस्त्र थे, और दोनों बिल्कुल ही जुनून में थे। चित्रा तो पहली बार किसी के साथ कर रही थी, इसलिए उसके अंदर तो बहुत जुनून होता है, और वो तो नीति को बिल्कुल भी सांस नहीं लेने देती, वो तो बिल्कुल उसको ब्लॉक कर देती है।
उसके होठों में अपना होठ डाल के उसके सांसों को ब्लॉक कर देती है। और अब दोनों के बीच में वो सब कुछ हो जाता है। सब कुछ होने के बाद दोनों ठंडे पड़ जाते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अपनी अपनी सीट पे लेट जाते हैं। चित्रा और नीति की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। दोनों ने इतना एंजॉय किया कि इस एंजॉयमेंट को वो कभी भी नहीं भूल पाएंगे। और अब कहीं ना कहीं नीति को चित्रा से प्यार होने लगा था। ये प्यार जिस्मानी नहीं रूहानी था। उसे चित्रा से सच्चा प्यार होने लग गया था और वो मनी मन में सोच रही होती है कि सुबह तो चित्रा अपने रास्ते चली जाएगी और मैं अपने रास्ते, और क्या पता मैं इससे कभी ना मिल पाऊँ, फिर मेरा क्या होगा। और यही सोचते सोचते नीति सो जाती है। फिर सुबह उठती है और अब नीति चित्रा को छोड़ना नहीं चाहती थी और चित्रा भी कहीं ना कहीं नीति से प्यार करने लगी थी और वो भी उसे नहीं छोड़ना चाहती थी। फिर जब सुबह मैकेनिक आ जाता है और उसकी टैक्सी ठीक हो जाती है तो चित्रा नीति को उसको उसके शहर छोड़ देती है। फिर नीति उसे कहती है कि देखो मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती हूँ, मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहती हूँ। तो चित्रा उसे अपना नंबर देती है, फिर नीति भी उसे अपना नंबर देती है और दोनों कॉल पे बात करते हैं। चित्रा जब भी फ्री होती थी तो वो अपने फ्री टाइम पे नीति के घर जाती थी और उसके घर जाके वो सब कुछ करते थे जो उन्होंने कार में किया। अब दोनों को एक दूसरे की आदत लग जाती है और अब नीति बिल्कुल ही बदल चुकी थी। उसे अब चित्रा के सिवा कोई भी लड़की अच्छी नहीं लगती थी। वो लड़की जिसे सिर्फ हुकअप्स में इंटरेस्ट था, जिसे सिर्फ हुकअप से करना अच्छा लगता था, वो लड़की अब किसी से दोबारा प्यार करने लगी है। और अब ये दोनों को रियलाइज़ हो जाता है कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। दोनों अब रिलेशन को लेके बहुत सीरियस हो जाते हैं और ये फैसला लेते हैं कि चित्रा के घर नीति जाएगी और वो अपने साथ मम्मी को मनाएगी। नीति और चित्रा दोनों मिलके अपनी मम्मी को मनाएंगी। नीति की तो मम्मी से कोई लेना देना था नहीं, लेकिन लेना देना तो चित्रा की मम्मी से थी। तो नीति कहती है तुम घबराओ मत, तुम्हारी मम्मी को मैं मनाऊंगी। और इसी उम्मीद के साथ नीति चित्रा के घर जाती है और ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, और चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।